अभी सेरे का टाइम हो चुका है, मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ, मुझे एकदम भी मेरी नींद नहीं खुल रही थी, और अभी सेरे का वक्त हो गया है और अब मैं जा रही हूँ सेरे में मैंगो खाने। ओह अलार्म बज गया, मैंने अलार्म लगाया था, मैंने अलार्म लगाया था क्योंकि मैं उठ ही नहीं रही थी। तो अभी मैं सेरे में मैं मैंगो खा रही हूँ। किस किस को मैंगो पसंद है, तो मैं सेरी में मैंगो एंड रोटी खाने वाली हूँ। सो मैं जल्दी जल्दी चपातीज भी खा लेती हूँ, तो मैं 1 चपाती लूँगी क्योंकि मैंगो और चपाती बहुत अच्छा लगता है। गाइस किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट में बताना मैंगो और रोटी, और जिस जिसने नहीं खाया है तो वो लोग प्लीज़ ट्राई करना गाइस, बहुत अच्छा लगता है मैंगो एंड रोटी बहुत। तो मैं जा रही हूँ जल्दी से खाने, क्योंकि टाइम बहुत कम है, फिर मुझे वजू भी करना है, मुझे डर लग रहा है कि अजान ना हो जाए, तो मैं खा के मिलती हूँ। मैंने सेरी कर लिया है और अभी अजान हो रही है। अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि अजान से पहले हो गया, नहीं तो मैं लेट हो जाती, जल्दी जल्दी हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ अजान सुनने। अजान यहाँ बिल्कुल नहीं सुनाई देती है, बाहर जाना पड़ता है, तो मैं यहाँ आके सुन रही हूँ। यहाँ अजान बहुत स्लो सुनाई देती है, बहुत स्लो, तो मैं पहले अजान सुनती हूँ फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ, नमाज़ पढ़ के मिलती हूँ डायरेक्ट। ओके नमाज हो गया है मेरा, अब मैं थोड़ा सा सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं आपसे सीधे मॉर्निंग में मिलती हूँ, बाय। और यहाँ हो गया है सेकेंड डे, तो सेकेंड डे मैं मेहंदी लगवा रही थी अपनी बहन से, जो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगा, बिल्कुल गंदा लगाई थी, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, तो फिर भी मैंने लगवा लिया। यहाँ मेहंदी भी कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए गाइस कैसा लगा है, बहुत गंदा लगा है ये मेहंदी, नहीं अच्छा लगाई है मेरी बहन लगाई है, बहुत गंदा लगाई है। और सेकेंड हैंड में मैं खुद से लगाऊंगी, वो दूसरे मेहंदी से, वो जो चाइनीज मेहंदी नहीं आया हुआ है उससे मैं लगाऊंगी रात में। अभी हो रहा है शाम के 3:30 या दोपहर के 3:30 आप बोल लो, तो मैं अब नाइट में आपसे मिलती हूँ इफ्तार। गाइस अभी शाम हो चुका है और अभी इफ्तार हम लोग बना रहे हैं, तो इफ्तार में क्या बना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस कचरी बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं फ्राई कर रही हूँ, और इधर रोटी भी बन रही है अभी, सो मैं जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी इफ्तार हो चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा शॉपिंग करना है, रात का टाइम हो रहा है, अभी 7:30 बज रहा है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग करने जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कुछ लेना है, जैसे कि नान वान और भी कुछ थोड़ा सा, मेरी छोटी वाली बहन बहुत हल्ला करती है, सो मैं निकल रही हूँ, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ रास्ते में। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं जल्दी जल्दी, रही थी मेहंदी, और ये देखिए मैंने अपने हाथों में खुद से मेहंदी लगवाई है, फर्स्ट टाइम मैंने अपने हाथों से लगाया है, अपने हाथों पर बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये हो जाता है ईद का दिन, यानी कि ईद उल अदा का, आप सबको बहुत बहुत बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ पे मैं नवाबी सेवई बना रही थी, तो उसका मैं आप लोग को थोड़ा सा क्लिप मैंने ऐड कर लिया है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप सब में ऐड किया है। यहाँ पे मैंने जो जर्दा को बुना था उसको यहाँ पे मैंने प्लेटिंग कर दिया है, इसको अच्छे से बॉल में सेट कर दिया है, और एक प्लास्टिक का कंटेनर आता है जो मिठाइयों का आता है, मैंने उस पर सेट किया, क्योंकि तो इसमें बहुत अच्छा डिज़ाइन आता है, ये जो साइड का डिज़ाइन है ना, ये बहुत अच्छा डिज़ाइन आता है, मैं दिखाऊँगी आपको जब फुल बन जाएगा। तो ये इस तरीके से है, और यहाँ पे दूध मैं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कंडेंस मिल्क का जो ये होता है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, कंडेंस मिल्क प्लस मिल्क पाउडर है इसमें, सॉरी कंडेंस मिल्क नहीं है, कस्टर्ड पाउडर है, सॉरी कस्टर्ड पाउडर, एंड मैंने ये अमूल का
पाउडर लिया है, तो ये अच्छे से मिक्स किया और वैनिला एसेंस थोड़ा सा दिया है मैंने। बहुत अच्छा क्रीमी एकदम आइसक्रीम फ्लेवर टेस्ट आएगा, बहुत यम्मी रहेगा। ये पुराना मैंने मैं सूट पहनी हूँ, मैंने मेरा इस बार नया नहीं हो पाया है, बट कोई ना, मैंने इसको भी बस एक बार ही मैंने पहना था, बट कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। एंड मौके पे उसने धोखा दे दिया कि नहीं टेलर ले ही नहीं रही थी, तो मैं क्या करती, तो मैंने यही पहन लिया है। बट ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का है, गर्मी के लिए परफेक्ट है, बहुत हल्का है गाइस। फिलहाल अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि फ़ैन ऑफ करके मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। एंड सबसे पहले गाइस, आप सबको बहुत बहुत बकरीद की बहुत मुबारकबाद, जितने भी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं मेरे, सबको बहुत बहुत बकरीद की मुबारकबाद, क्योंकि मैं सुबह में विश नहीं कर पाई, सीधे मैं शाम में शूट कर रही हूँ, और अभी लगभग 6 बज रहा होगा। मैं इतना लेट शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं सो भी गई थी इवनिंग में, बहुत ज़्यादा थक गई थी, और रात भर नहीं सोई थी क्योंकि मैंने मेहंदी लगाया, मतलब मैं 1.5 घंटे में सिर्फ मैंने इतना ही मेहंदी लगाया, मैं 1.5 घंटे में लीव करोगे आप, मुझे बहुत। और इस हाथ में ना मैं दिखाती हूँ, इस हाथ में मेरी सिस्टर ने लगाया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मैं गुस्से में खुद से ही मैंने इस हाथ में लगाया है, तो इसीलिए। एंड या गाइस, मैं कैसी लग रही आप मुझे बताना। मैंने ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने लिपस्टिक लगाई है और कुछ भी नहीं किया है, और मैंने थोड़ा सा ब्लश लगाया क्योंकि मुझे आजकल ब्लश का बहुत शौक चल रहा है, तो मैंने थोड़ा सा लगाया है और कुछ नहीं ओवरऑल। सो आप लोग बताओ आपके तरफ बकरीद कैसा जा रहा है, कुर्बानी हुई या नहीं हुई, कैसा लग रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, हद से ज़्यादा गर्मी है, बट अच्छा लग रहा है। सो या मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ आपको, ओके।
अच्छा लग रहा है। गाइस आप लोग प्लीज़ बताना, यहाँ पर ये हम लोग मेरे सागवान का पेड़ है ये हम लोग का, जो बहुत फेमस है इस कॉलोनी में, हम लोग को घर को जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारा ग्रीनरी, कैमरा मैन उधर दिखाएँ आप, ग्रीनरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना। और मौसम बहुत अच्छा, क्लाइमेट है, अल्लाह का शुक्र है, अलहमदिल्ला बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग की तरफ कैसा मौसम है, कैसा बकरीद गया, प्लीज़ आप लोग कॉमेंट में बताना। हम लोग क्या अच्छा गया, ठीक ठाक गया, सुबह से बिज़ी थी, कुर्बानी में था हम लोग, पता कुर्बानी हुआ था तो सुबह से बिज़ी थी बिल्कुल। अभी फ्री हुई हूँ तो अभी मौसम भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, देखते हैं। तो घूमती हूँ के लिए देखते हैं नेक्स्ट थी। और इधर का मौसम देखिए, यहाँ पर तो बिल्डिंग देखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, न्यू बिल्डिंग बना है वहाँ पर, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना अभी वाला। मैं टेरेस पे आ गई हूँ, बहुत अच्छा क्लाइमेट अभी है। मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अभी बहुत अच्छा मौसम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, यहाँ पे सीनरी कितना अच्छा है ना, मैं यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाती हूँ, बहुत अच्छा सीनरी आ रहा है। बहुत दिनों बाद मैं छत पर आई हूँ, बहुत ज़्यादा दिन बाद, आई थिंक मैं लास्ट रमज़ान में आई थी, पता नहीं कब आई थी, पता नहीं, बहुत कमाती हूँ। एंड कपड़े सब भी नीचे बालकनी में पसरते, तो छत पर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है मौसम, थक जाती हूँ ऊपर आने में, बहुत ज़्यादा हफनी हो जाता है। एंड मैं देख रही हूँ कैसा मौसम हो रहा है, मेरा कहीं फ़ोन ही ना गिर जाए, आराम से बहुत अच्छा लग रहा है ना भाई। मैं आप ही को बुला रही हूँ, आप ही भी पता है गाइस, मैंने बताना भूल गई, मैं आप ही आ चुकी है। एक वीडियो में मैंने दिखा था कि आप ही चली गई, बट इस वीडियो में आप ही आ चुकी है, क्योंकि बकरीद में आप ही आ चुकी है। आप ही सिर्फ एक या दो दिन के लिए ही गई थी, तो वो आ चुकी है, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा सा लेट शूट करती हूँ और अपलोड थोड़ा सा लेट करती हूँ ना, तो उस अकॉर्डिंग में वो आ गई। तो दिखाऊंगी, बुला रही हूँ, वो आ ही नहीं रही है, वो मम्मी से बात करने में बिज़ी रहती है हमेशा, मम्मी से बात करती रहती है। मैं कैसी लग रही हूँ गाइस बताना। पापा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो ये पापा हैं, बोलिए ईद मुबारक, ईद मुबारक, हाथ मिलाइए। पापा कुर्ता उतार दिए, क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, इसलिए पापा कुर्ता उतार दिए। पापा बहुत अच्छे लगे माशाल्लाह। पापा का ना दाढ़ी मैंने बना दिया, क्योंकि कुर्बानी हो गई तो दाढ़ी बना दिया मैंने। सलाम कीजिए पापा सबको जोर से। ठीक है मम्मी, मम्मी कितनी अच्छी लग रही है, मम्मी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। मम्मी सलाम कीजिए सबको। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक सबको बोलिए। ईद मुबारक हो सब लोग। हाँ मम्मी बहुत अच्छी लग रही माशाल्लाह। मम्मी की साड़ी कैसी लग रही है, बहुत हल्की। और ये हम लोग लाए थे, कहाँ से लाए थे, अजमेर शरीफ से लाए थे, जो बहुत प्यारी है। ये साड़ी अच्छी लग रही मम्मी पे माशाल्लाह। और अभी शाम हो चुका है, इसलिए शाम में सबका इंट्रो ले रहे हैं, क्योंकि सब बिजी थे सुबह से, इसीलिए। बाय मम्मी, अल्लाह हाफिज़ कर दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सो गाइस कैसा लगा आज का व्लॉग, मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि पता नहीं कितना लंबा हो गया होगा, कितना छोटा होगा, वो एडिट करने के बाद ही पता चलेगा। तो आई होप आपको आज का व्लॉग, बकरीद व्लॉग, कल से मैं चला रही हूँ बकरीद व्लॉग, तो मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ। अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिएगा, और ख़ुद भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू।